न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्र हुंडई, पीएन घाटी, अभिनव किन्नी हाउस। छठ के अवसर पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल के अनुपस्थिति पर बीजेपी टीएमसी में ठनी रार हो रही पोस्टर वार। लोग ही कुछ ना वो नोंगड़ामी कुछ राजनीति कुछ। डीसीएल के एक अधिकारी का हॉस्टल के कमरे में झूठा शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। रानीगंज में चोरों ने उठाया खाली घर का फायदा, घर के सामानों और गहनों पर हाथ किया सफाया। सोना घाटी टाका पैसा समस्त किसी चोरी करनी चाहिए। छठ के अवसर पर जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच कहीं वस्त्र, कहीं लौकी तो कहीं पूजन सामग्री किया गया वितरण, दिखने लगी छठ की छटा। छठ पर्व भी आसनसोल में राजनीति का केंद्र बन गया है। आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर सांसद और विधायिका के अनुपस्थिति को मुद्दा बनाकर पोस्टर वार शुरू हो गया। गुरुवार को सबसे पहले कुल्टी विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में एक पोस्टर देखने को मिला, जिसमें लिखा था कि आसनसोल के माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जो बिहारियों के आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर गायब है। निवेदक आसनसोल बिहारी जनता। इस पोस्टर के मिलने के 24 घंटे के भीतर ही एक और पोस्टर देखने को मिला। आसनसोल के सांसद के बाद इस बार आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायिका अग्निमित्रा पाल के लापता का पोस्टर था, जो शुक्रवार को आसनसोल दक्षिण विधानसभा के गोपालपुर फ्लावर मिल रोड पर देखने को मिला, जिसमें लिखा है कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल अपनी ही विधानसभा से गायब है। वह नहीं मिल रही है, जो भी उनका पता बताएंगे उसे भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा। इस दोनों पोस्टर के मिलने के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सांसद के पोस्टर मिलने के जहां भाजपा नेता बाप्पा चटर्जी ने कहा कि कुल्टी में जो पोस्टर मिला है वह तृणमूल कांग्रेस के आपसी द्वंद का प्रमाण है, वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश सचिव वी शिवदासन दासु ने कहा कि छठ पूजा को लेकर राजनीति किया जा रहा है, भाजपा छठ जैसे पवित्र पर्व पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के वार्ड सभापति ने कहा कि यह सब भाजपा का किया धरा है। কী বিড়ম্বনার ব্যাপার চিন্তা করে দেখুন, আসানসোলের কুলটিতে কয়েক ঘন্টা আগেই তৃণমূলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার পোস্টার বেরিয়েছিল এবং আমাদের কাছে যেটুকু খবর আছে যে তৃণমূলেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে এই পোস্টার বেরোনো, একদল পছন্দ করেন একদল অপছন্দ করেন, তারাই এইসব পোস্টার বার করেছিলেন যে সাংসদ তাদের নিখোঁজ আছে। আর এই পোস্টারের পাল্টা পোস্টার তৃণমূলেরই আরেকটা দল যারা নিজেদেরকে আরও বড় নেতা প্রমাণ করতে চান, তারা আরেকটি পোস্টার বার করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা মাননীয় অগ্নিমিত্রা পালের সম্বন্ধে। আসলে অশিক্ষিত দল হলে যেটা হয় আর কি, সেটাই দেখা গেছে, তাদের গোষ্ঠী কন্দল, তাদের ঝামেলা, তাদের পোস্টার লুকাতে নতুন পোস্টার অগ্নিমিত্রা পালের সম্বন্ধে বার করে তারা যে কতটা পিছুপা হয়ে গেছেন, তারা যে কতটা জমি হারিয়ে ফেলেছেন, এটাই তার প্রমাণ। এবং এ পাইলেবি তো আসানসোলে এমপি হয়েছিল, মানুষ তো দেখেছি কতবার আসেছে। আজকে তো যে আছে বাবুল সুপ্রিয়, ওই সময় বাবুল সুপ্রিয় তোরা বিসি ছিল, মন্ত্রী ছিল, এই জন্য কাম আসতাম। শত্রুঘ্ন সিনহা তো প্রত্যেক মাসে দুবার আসছে, পাঁচ দিন এক সপ্তাহ ইয়া থাকছে। আর যে লোক ই করছে না, ও নোংরামি করছে, রাজনীতি করছে। যাকে বোঝার উচিত যে বলছেন ছট পূজার সময় দেখাই দিচ্ছে না, কাটে যাচ্ছে না, কোন এমপি যায়? পশ্চিমবঙ্গালে বিজেপি 18টা এমপি আছে, একটা এমপি তৃণমূল জয়েন করেছেন, বাকি 17টা এমপি বিজেপির মতে আছেন। এই 17টা এমপি কত ঘাট গিয়েছে, কত জায়গা ঘুরেছে, কতদিন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, নিজে জানেন? এটা এমপি কি ঘাট ঘুরতে যায়? ঘাট দেখভাল করার জন্য ছট পূজা একটা পবিত্র পূজা আছে,
এই পবিত্র পূজাতে বিভিন্ন ঘাট সাফাই করার জন্য যে কর্পোরেশন এরিয়াতে কাউন্সিলর আছেন, কাউন্সিলরে সুপ্রিমো হচ্ছেন মেয়র, তো মেয়র প্রত্যেক জায়গায় যাচ্ছে। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के धतका स्थित ईसीएल के माइनिंग हॉस्टल के एक कमरे में पंखे से झूलता हुआ एक शव पुलिस ने शुक्रवार की सुबह बरामद की। मृतक की पहचान झारखंड के हजारीबाग निवासी राहुल साहा के रूप में हुई है। वे साक्तोड़िया ईसीएल मुख्यालय में महाप्रबंधक कर्मी के रूप में कार्यरत थे। घटना के संबंध में हॉस्टल के प्रभारी सुरेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि वे कल रात में खाना खाकर अपने कमरे में गए, लेकिन आज सुबह नाश्ता करने के लिए नहीं आए तो वे उनके कमरे में जाकर देखा तो उनका शव पंखे से झूल रहा था। उन्हीं जब ब्रेकफास्ट करते आसें ना तक तो हमें रूमे नॉक करते गल तक तो देखी कपाटा बहरे थे बंद खिड़कीटा की भाग्य खोला छो से खुले देख तो झुलंत अवस्था से देखी तर कि नाम छो রাহুল সাহা কি কি পোস্টে ছিলেন জিএম পার্সনাল কোথায় পোস্টিং ছিল ওনার হেডকোয়ার্টার ডিসারগার ওখান থেকে যথা এবারে ওনারা পাঠাতেন কোথায় যেতেন ইন্সপেকশন করতে তো কতদিন থেকে আছেন এখানে 2021 থেকে 13 তারিখে এসেছিলেন 2021 মানে এই সেপ্টেম্বর আগস্ট মাসে মনে হয় सूचना पाकर 29 नंबर वार्ड के पार्षद गौरव गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इसकी खबर आसनसोल थाना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। इस मौके पर वार्ड पार्षद गौरव गुप्ता ने कहा कि उन्हें इस घटना की सूचना मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कमरे में ईसीएल के एक अधिकारी का शव लटका हुआ है। घटना कैसे हुई इसकी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। धतका रोड में हम लोग का ACL का HRD ट्रांजिट हॉस्टल है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मुझे खबर मिला कि यहाँ पे एक यहाँ के स्टाफ ने फांसी लगा लिया अपने रूम में। हम लोग यहाँ पहुँचे, हमारा आसनसोल उत्तर थाना का जो बड़ा बाबू है उनको खबर किया कि ऐसा घटना हुआ है, तो पुलिस वहाँ से आए और आकर यहाँ कमरा में देखा गया कि वो पंखे से फांसी लगा के लटके हुए हैं। तो ACL के जो अधिकारी हैं वो भी अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हाँ, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट सनी मंदिर, नुरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी, ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वेंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब
जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारे यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। रानीगंज थाना क्षेत्र के रानई इस्लाम क्षेत्र के एक ठेकेदार के घर से चोरों ने खाली घर होने का फायदा उठाकर हाथ साफ कर लिया। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि ठेकेदार इनामुल मियां परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ राजस्थान के अजमेर शरीफ घूमने गए। बीती रात वो घर लौटे तो देखा कि सभी घरों में तोड़फोड़ की गई है। घर के सभी मोटे दरवाजे धारदार हथियारों से तोड़ दिए गए और 2 कमरों की अलमारी तोड़ दी गई है। घर से सोने चांदी के गहने, नगदी, रंगीन टीवी एवं अन्य कीमती सामान। সমস্ত কাপড় জামা যা ছিল কিছু ছাড়েনি, খুব আরামে ওরা চুরি করে নিয়েছে। চোরের দল কোথাতে কি হয়েছিল? চোরের দল দাদা পিছনে একটা পাঁচিল আছে আমার মনে হয়, যে ওপরে গেট খুলে দিয়ে এসছে ভিতরে বাড়িটাতে, দিয়ে ওখানে গেটগুলোকে ড্যামেজ করেছে, চাপড় দিয়ে কেটেছে। খুব শক্ত দরজা ছিল আমার, তাও কিন্তু ডেন্স মেন্টেলিং করে পুরোটা সমস্ত চুরি করে উনি নিয়ে চলে গেছে। কি কি চুরি গেছে? আমার সোনা গেছে, 5 ভরি সোনা গেছে, 500 গ্রাম চাঁদি গেছে, 6500 ক্যাশ ছিল সেটাই গেছে। কাপড় সমস্ত মিসেসের চলে গেছে, আমার কম্বল কাপড় যে সমস্ত চলে গেছে, 7 ব্যাগ আমার গেছে। पांडेश्वर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती की पहल पर 3000 छठवर्तियों के बीच नए कपड़े व पूजा सामग्री वितरित किया गया। यह कार्यक्रम बंकोला इंतराचक क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, प्रखंड अध्यक्ष कीर्ति मुखर्जी, छठ समिति के अध्यक्ष रामचरित्र पासवान समेत अन्य नेता मौजूद थे। विधायक ने कहा कि पांडेश्वर विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा, इसलिए मुझे उनके त्योहार की खुशी साझा करते हुए गर्व हो रहा है। তাদেরকে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। এবারও আমরা সবাই মিলে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেক মিলে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় যারা ছোটি মাইয়ার পুজোতে ব্রতী হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের হাতে ডালা এবং প্রয়োজনীয় পূজা সামগ্রী, আখ থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং আমরাও কৃতজ্ঞ যে তারা আমাদের কাছে এসে এই সামগ্রীগুলি গ্রহণ করেছেন, এবং আশা করব ছোটি মাইয়ার আশীর্বাদে গোটা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার মানুষজন ভালো থাকবে, করোনা মুক্ত থাকবে, পাণ্ডবেশ্বরের উন্নয়ন হবে।
छठ पूजा के नहाय खाए के अवसर पर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को बरनपुर गुरुद्वारा के समीप शाखा मैदान के छठवर्तियों के बीच लौकी का वितरण किया। ये लौकी वितरण विजय शर्मा की पहल पर किया गया। इस अवसर पर विजय शर्मा, सरिता सिंह, गौरंग पाल, अरविंद श्रीवास्तव, समीर सौर, स्वप्न मुर्मू आदि उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि ये बिहारियों का महापर्व है। इस पर्व में सभी अपने स्तर पर छठवर्तियों के लिए मदद का कार्य करते हैं। कोई रास्ता बनाने में, कोई घाट बनाने में सहयोग करता है, कोई जरूरतमंद छठवर्तियों के बीच वस्त्र वितरण करता है, तो कोई पूजा सामग्री और इस पूजा में आने वाले सामानों को प्रदान करता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ का त्योहार उसी हर्ष के साथ, उसी उल्लास के साथ हम मना रहे हैं। और ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें जो लोग छठ करते हैं वो तो इसमें हिस्सा लेते ही हैं, लेकिन जो छठ नहीं करते हैं वो भी परोक्ष रूप से कैसे इस त्यौहार का हिस्सा बने, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। कोई इलाके की सफाई में व्यस्त रहते हैं, कहीं कहीं देखा जा रहा है वस्त्र वितरण के माध्यम से इस महापर्व का हिस्सा बनने का प्रयास हो रहा है, और एक अनोखा प्रयास कहीं सूप डाला वितरण के माध्यम से, तो कहीं लौकी वितरण के माध्यम से। इन सारे कार्यक्रमों के पीछे मूल जो भावना है कि जो माताएं बहनें छठ में उपवास रखती हैं, हम सारे लोग उनके साथ हैं। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहनदा फैमिली स्टोर। हमारे दो मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान, तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, सिटी रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी, हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी, जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट,
शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेले रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। दुर्गापुर नगर निगम छठ पूजा समितियों के साथ खड़ा है। इस संदेश के साथ दुर्गापुर नगर निगम ने 40 छठ पूजा समितियों को चिकित्सा किट प्रदान किया। इस अवसर पर दुर्गापुर नगर निगम के अध्यक्ष अनिंदिता मुखोपाध्याय, सदस्य राखी तिवारी, बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव उपस्थित थे। अनिंदिता मुखोपाध्याय ने भी समर्थन का संदेश दिया। नगर निगम उद्योग छठ कमिटी 40 তাদের সকলের হাতে একটা মেডিকেল কিট তুলে দেওয়া, এটা আর কিছু নয়, হয়তো জিনিসটা খুবই সামান্য, কিন্তু এইটুকুই যে আমরা তাদের পাশে আছি বা তাদের সঙ্গে আছি। दुर्गापुर के मात्रा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से छठ पूजा के उपलक्ष्य पर वी जोन में शोभा यात्रा के साथ कलश यात्रा निकाली गई थी। यह कलश यात्रा नूतनपल्ली इलाके से शुरू होकर भारती मोड़ होते हुए चंडीदास जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान उपस्थित आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कवि दत्ता, पंकज राय सरकार, शेखर भट्टाचार्य, इलाके के पूर्व पार्षद पवित्र चटर्जी, मनोज चांद, रजिया बेगम उर्फ जिया खान सहित इलाके के महिला और पुरुष तथा छठ कमेटी के सदस्य मौजूद थे। रजिया बेगम ने बताया कि इस बार पहली बार छठ पूजा के उपलक्ष्य पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। छठ शोभा यात्रा हमारा बाटे 4 नंबर वार्ड থেকে স্পাতকল্লি থেকে ভারতী হয়ে আবার স্পাতকল্লি ঘাট। এই শোভা যাত্রা ছট পূজে আমরা কলের ঝুড়ি সামগ্রী দেওয়া হয়েছে, এছাড়াও বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে, কম্বল এবং শাড়ি। কতজন ছট ব্রতিকে আপনি ডালা দিচ্ছেন আপনারা? আমরা ছট ব্রতিকে প্রায় 100টা ডালা দেওয়া হয়েছে এবং 100 জনকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। এই শোভাযাত্রা কতটা ঘুরবে? এইখান থেকে স্পাতকল্লি থেকে নিয়ে ভারতী হয়ে চণ্ডীদাস হয়ে আবার স্পাতকল্লির ঘাট। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, पीएन घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, फर्नीचर वर्ल्ड।